तो सीएससी, डीजी बैंक और सीएससी के चार पांच और भी बड़े सर्विस को लेकर इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच आए गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पांच या छह बहुत ही बड़े अपडेट आप लोगों के लिए दिनेश त्यागी सर के द्वारा बताया गया है। यह वीडियो उन्हीं के मतलब कि लाइव सेशन से कट करके आप लोगों के बीच हम लाए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी से निवेदन है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सीएससी बैंकिंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी 18 से 20 मिनट का हो चुका है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते हैं। और निवेदन है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारा दिन हमने बिठा के रखा, बहुत सुनाया, ज्यादातर सुनाया और कुछ शेयर किया। जैसा उसने बोला कि क्या जोश और उमंग कैसे आता है, व्हाट इज इट ड्राइव यू टू डू दिस मच। एक बार हम लोग बाबा रामदेव के साथ में वहां पे कुछ एक वर्कशॉप कर रहे थे और कुछ बच्चों को बुलाया था। तो बाबा रामदेव के जो आचार्य जी हैं, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा इंसान जो पहली बार मैंने देखा है जिसके 4 लाख बच्चे हैं। तो जिसके 4 लाख बच्चे होंगे उसको तो वैसे ही गर्व होगा। एंड दैट इज वॉट सीएससी सीएससी बहुत बड़ा परिवार है। एंड दैट वॉट वी ऑल ट्रीट यू वेरी वेल एंड वी लुक आफ्टर देम। तो वो परिवार की वजह से ये सब कुछ है, ये सब उमंग, आशा, उल्लास, जुनून सब परिवार की वजह से है। और परिवार में सब बच्चे अच्छा करते हैं। मुझे कुछ के नाम याद रहते हैं, जिनके नाम याद नहीं रहते उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। इतनी कहानियां हैं कि आप कह के कि थक जाओगे, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी आपने ये तो सुना कि क्या क्या लॉन्च हुआ, लेकिन भविष्य क्या है, भविष्य क्या है, आगे हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। हमारे हिसाब से भविष्य बहुत उज्जवल है, भविष्य उज्जवल। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो हम भविष्य में लॉन्च करने वाले हैं, आपको जल्दी मिल जाएंगी। एंड सडनली वी विल स्लोली एंड स्लोली विल कम बैक टू यू एंड एक्सप्लेन टू यू। सिंस आप सबको बुलाया था तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि हमारे जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जो हम नए काम करने जा रहे हैं, वो क्या हैं और कैसे हम लोगों की मदद करके अपने सीएससी को और ऊंचा और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो पहला, तो सबसे पहला, कैन यू हैव द फर्स्ट लाइक स्टार्ट। पहला है सीएससी को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक सर्विस करते हैं, हमने मिनिस्ट्री के सारे ऑफिसर्स को बोला है कि व्हाई नॉट मेक सीएससी एज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर दैट सर्विस। जैसे लेबर मिनिस्ट्री में हमने कहा था कि आप लेबर मिनिस्ट्री के सारे सर्विसेज के लिए सीएससी को फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, एंड दे एग्री टू डू दैट। तो अगर आप सारी सर्विसेज के फैसिलिटेशन सेंटर बन जाओगे तो आप सब काम करोगे उनके लिए, रजिस्ट्रेशन भी करोगे, उनका नाम चेंज, उनका एड्रेस चेंज वो भी करोगे, उनको ईपीएफ में अगर रजिस्ट्रेशन करा वो भी करोगे, ईएसआईसी कराना है वो भी करोगे, सरकार कोई पैसा देगी तो वो भी करोगे। सो यू विल एक्चुअली वन स्टॉप शॉप फॉर लेबर। 40 करोड़ लेबर है, 40 करोड़ लेबर के लिए सीएससी कैन बी ए ग्रेट सर्विस फॉर फैसिलिटेशन से। और देश का और सरकार का भी उद्देश्य है कि 40 करोड़ ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है इसके हम कैसे मदद करें। तो अब यूनिक रजिस्ट्रेशन से शुरू हुआ है, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे आर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सीएससी, एवरी सीएससी इन दिस कंट्री एज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर एवरी लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि आप सब उस कैटेगरी में है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन तो कर ही लेना, ई श्रम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, जिसने नहीं किया है डू योर रजिस्ट्रेशन एंड दिस विल बी ए वेरी गुड सर्विस फॉर वॉट वी कैन डू दैट पार्ट। उसके बाद दूसरा वाला जो काम है उसमें ऑफकोर्स सारी, जैसे मैंने कहा, सारी सेवाएं हम करेंगे। दूसरा वाला जो हमने कहा था, एक उसका नोटिफिकेशन भी है हमारे पास, द सेकेंड फैसिलिटेशन सेंटर इज फॉर वाहन एंड सारथी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि सीएससी विल वर्क फॉर ऑल द डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस अक्रॉस अ कंट्री। सो एक्चुअली ई वाहन एंड ई सारथी विल स्टार्ट फ्रॉम सीएससी। और ये गजट नोटिफिकेशन है, दिस इज नॉट दैट, बट वी हैव टू ओनली इंटीग्रेट कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग विद द एप्लीकेशन फॉर द इंडस्ट्री। बहुत लोग, सी एक बात समझ लीजिए,
आप जो लोग कर रहे हो उसमें किसी के पेट पे लात लग रही है, वो जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो टूट रहे हैं, उनको खुजली होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट गेट डिलेड सम टाइम, दैट इज रीजन, क्योंकि आप तो इनोवेशन करके करते हो ना, दिस इज न्यू फॉर्मेट फॉर डिलीवरी सर्विस। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में तो बीच वाले आदमी काम करते थे, तो बीच वाले आदमी को खत्म करके वी आर क्रिएटिंग ए फ्रंट एंड ऑफ सीएससी और डूइंग दैट पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेशन सर्विसेज विल बिकम सीएससी एंड देयर इज ऑलरेडी अ गैजेट नोटिफिकेशन, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की नहीं, एक्सेप्ट दैट व्हेन वी इंटीग्रेट द सर्विसेज विल लॉन्च इज अक्रॉस। कुछ स्टेट के साथ हमें बात करनी होगी, कुछ स्टेट में पहले हो जाता है, कुछ स्टेट में बाद हो जाता है, बट दिस इज डन। सो यू विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, दैट इज अ न्यू थिंग विच विल डू। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि दीज आर ऑलरेडी इवॉल्विंग प्रोसेस, बट वी विल सून लॉन्च देम एज वी ग्रो एंड डू देम। हमने कोशिश की थी पहले भी, हमने पहले भी कहा था, कुछ बच्चे पंजाब से आके मुझको कहते थे कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाना है, और हमने कोशिश की कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए लाइसेंस की क्यों जरूरत होती है, पैसा मैं लगाता हूँ, काम मैं करता हूँ, फिर भी वो लाइसेंस के लिए मेरे को शैतानी करता है। सो इफ यू कैन रिमूव द लाइसेंस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, देन ईच वन ऑफ देम कैन सेट अप पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर, सब कर सकते हैं, और देश में पोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी डू दैट पार्ट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को फिर कन्विंस करें कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मैं आपकी एप्लीकेशन में वो सारे पैरामीटर फीड कर दूंगा जो आपको चाहिए, मैं वही रेगुलेशन नॉर्म्स के अनुसार काम कर दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन लाइसेंस मत लो, वो इंस्पेक्टर के पास मुझे मत भेजो। तो वी विल क्रिएट दैट फॉर यू एंड होपफुली दिस विल बी डन। सरकार भी बदल रही है, सरकार का भी चेंज हो रहा है, एंड लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड, कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम ये करना है, एवरी सीएससी इन दिस कंट्री विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। किसी को आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसफर कराना है, ऑल दैट पार्ट ऑफ वर्क, ई वाहन सारथी में जितनी सेवाएं हैं, लर्निंग लाइसेंस लेना, दे ऑल कैन बी डन टू सीएससी अक्रॉस द कंट्री। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, और आप फिर कुछ लोगों को नौकरी और जॉब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, ई कोर्ट्स की वाली कमेटी है, उनके जज से बात किया था, उनके जज से बात किया, उनकी मीटिंग की, तो अभी तक ई कोर्ट की सर्विस हमारे पास है, हमने शायद 15,000 के करीब ट्रांजेक्शन किए हैं, और उसमें वो सिर्फ पहले शुरू में जब हमने कोशिश की तो हमें पैसे नहीं लेने देते थे, हम तो मुफ्त में करते हैं, तो बहुत मुश्किल में 5 रुपये अलाउ किए, हम तब भी बोलते थे 5 रुपये में तो इंटरनेट नहीं खुलता है, कंप्यूटर नहीं खुलता है, हाउ कैन यू डू इन 5 रुपीज। फॉर्चुनेटली इस बार वो जो जज हैं उन्होंने कहा नहीं, आप 100 रुपये लेने दो, आपको क्या परेशानी है, लेट द चाइल्ड टेक इज 100 रुपीज फॉर डूइंग ई कोर्ट सर्विसेज, वी विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। उनको भी हमने कहा है कि सीएससी को ई कोर्ट का फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, ही इज एग्रीड, और उसमें सब कुछ करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर किसी को ई फाइलिंग करनी है तो सीएससी वीएलई के घर जाकर के ई फाइलिंग कर सकता है, किसी को अगर समन इशू कर, इनफैक्ट ही वेंट टू द एक्सटेंट सेइंग इट, अगर सरकार में कोर्ट केसेस में समन इशू कराना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सीएससी को दे दो, सीएससी रिसीट लेकर के अपलोड करके आपको भेज देगा, दे विल डू सर्विस फॉर समन ऑल्सो। वो सब कुछ करना चाहते हैं, उनके पास 300 सर्विसेज हैं, 300 सर्विसेज, टेम्पलेट्स हैं, एफिडेविट कैसे बनाना है, फाइलिंग कैसे करें, वो टेम्पलेट को भर के आप प्रिंट करके कुछ भी पैसे ले लेना, आई लीव इट टू यू, यू टू डिसाइड, बट टूडे द चेंज इज टेकन प्लेस। वो सब कुछ करना चाहते हैं, उनको पता है कि सीएससी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट टाइम इवन द जजेस आर रिकॉग्नाइजिंग द रेलेवेंस ऑफ सीएससी इन दिस कंट्री, सेइंग दे आर अमेजिंग पीपल, व्हाई नॉट वी गिव एवरीथिंग टू देम, एंड व्हाई नॉट वी डिपेंड, व्हाई वी डिपेंड। जज ने ये बोला था, एडवोकेट से आपकी दुश्मनी होगी, क्योंकि जो काम मैं आपको दे रहा हूं वो एडवोकेट करता होगा। फिर उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं, हम तो चॉइस दे रहे हैं, अगर सिटीजन को एडवोकेट के पास जाना है एडवोकेट के पास चला जाए, और सीएससी के पास जाना है सीएससी से करा ले, एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। हमने जम्मू एंड कश्मीर में कुछ किया था, कोर्ट के साथ एक एमओयू करके कुछ काम किया था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे लगता है, और उन्होंने मेरे को हमको टाइम, और उनका जज है तो हम उनको डिले भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा 1 जनवरी को मैं लॉन्च करूंगा, तो ही इज गिवन ए वार्निंग टुवर्ड्स 1 जनवरी ही विल लॉन्च मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ ई कोर्ट थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर फॉर द कंट्री, दैट इज अ ग्रेट थिंग विच कैन हैपन। तो आप लोग कोर्ट के लिए भी काम करोगे, यू विल एक्चुअली डू। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि इतने सेंटर फैसिलिटी, इतने लोगों को जॉब दे देना, किसी बच्चे या बच्ची को लगा देना, अपने आसपास के लोगों को उठा के एक छोटा सा काम दे देना, एंड दे विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू, प्लस आपका कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देना।
अगर दो कंप्यूटर है तो चार कंप्यूटर रख लेना, एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क विच यू डू। बट एंड ऑफ द डे अभी आप खर्च कर लो, अपने पापा से पैसे लेके कंप्यूटर ले लो, कभी नुकसान नहीं होगा, आई गारंटी यू नर्सिंग। अगर नुकसान होगा तो कंप्यूटर हमें दे देना, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, विल गिव इट यू। नुकसान नहीं होने देंगे, नुकसान किसी को नहीं होने देंगे, दैट इज आर गारंटी इन एनी केस, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको नुकसान वाला काम हम करने नहीं देंगे। तो जो अभी तक मैंने बोले फैसिलिटेशन सेंटर बोला फॉर लेबर विच इज 40 करोड़, फैसिलिटेशन फॉर ट्रांसपोर्ट 10 करोड़, गाड़ी तो अभी उसके पास 10 करोड़ गाड़ी ऐसी है जिन्होंने कभी इंश्योरेंस नहीं किया और हमें सरकार देती है 50 रुपए देते हैं, तो 500 करोड़ हर साल तो बिजनेस सिर्फ थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का है। कर लो ना पकड़ के अपने आप सबको, सारी गाड़ियों को इंश्योरेंस करो, व्हाट अ इनकम यू विल जनरेट फॉर योरसेल्फ, इज अ फिनोमिनल सोर्स ऑफ इनकम, और साफ है, सुथरा है, क्लीन है, कोई झमेला नहीं है, कोई शैतानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, यू कैन डू दैट पार्ट। सो यू विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड यू विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर इकोट। सो ये तीनों चीजें बहुत बड़ी है, उम्मीद तो करते हैं कि सरकार की सारी सेवाओं के लिए सरकार सीएससी को सब समय यूज करेगी, दैट इज व्हाट इज आवर एस्पिरेशन। और अभी सरकार छोड़ नहीं सकती, भारत सरकार की तो सारे डिपार्टमेंट यूज करना चाहते हैं, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट टू यूज सीएससी थ्रू दिस सिस्टम। एक हम अभी जो नया वाला काम करना चाहते हैं, आपने पीएम किसान सम्मान निधि वाला देखा होगा, उसमें 14 करोड़ के करीब फार्मर, 10 करोड़ के करीब को फार्मर रजिस्टर्ड है, कुछ हमने किए थे, कुछ उन्होंने अपने आप कराए थे स्टेट गवर्नमेंट से और कहां से करके कराया था। अभी उसमें उनको उसको साफ करना है, साफ करने के लिए तो सीएससी साफ करेगा, और कौन साफ करेगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला तो साफ करेगा नहीं, तो उनको ई केवाईसी कराना है उन सबका, फार्मर को बुलाना है और उसका ई केवाईसी डिटेल करके अपलोड करके डालना है, दैट ऑल्सो विल बी डन थ्रू सीएससी, वेरी सून वी विल लॉन्च दिस, बट यू विल बी द ग्रेट वर्क फॉर देम। किसानों की मदद करना, किसानों की मदद करना, ये हमारा, ऑल दोज पीपल हु वर्क इन सीएससी इन रूरल इंडिया, दे मस्ट हेल्प द फार्मर्स इन एनी एस्पेक्ट। धीरे धीरे हम किसान के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो सीएससी के माध्यम से हम दिला देंगे, चाहे उसको इनपुट चाहिए, चाहे उसको सामान को बेचने की जरूरत चाहिए, चाहे उसको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे उसको लोन चाहिए, सब कुछ दिलाएंगे। सीएससी कैन बी ए हर एक्चुअली ए चेंज एजेंट इन दैट सेंस टू एम्पावर फार्मर्स इन दिस कंट्री, उनकी मदद करेंगे, एंड दैट वाज सीएससी विल टेक्नोलॉजी, ये सबको पता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे सेड दे विल डू थ्रू अस। एक हमारा काम और जो अभी शुरू होने वाला है, ये तो हमने किसान सम्मान निधि योजना वाला बताया, अभी एक बहुत खुशी अभी जो शुरू हुआ है, सरकार ने कुछ गाइडलाइन निकाली है, एक गाइडलाइन निकाला है कि वो डिजिटल बैंक बनाना चाहते हैं। डिजिटल बैंक का मतलब होगा फिजिकल ब्रांचेज नहीं होगी। आप सब ने इतनी मेहनत की है, अगर भगवान ने साथ दिया तो सीएससी विल बी द फर्स्ट डिजिटल बैंक इन इंडिया। कोई ब्रांच नहीं होगी, डिजिटली अकाउंट खोलेंगे, डिजिटली लोन देंगे, सब कुछ डिजिटली करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, 10-10 पेज के डॉक्यूमेंट लेता है अकाउंट खोलने के लिए, पहले जाओ तो पहले इतना चीजें कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी, पता नहीं क्यों लेता है, चार जगह सिग्नेचर लगाएगा, मेरा पैसा मेरा अकाउंट, पता नहीं क्यों इतने पैसे लेते, इतने वर्ड इज पार्ट ऑफ द वर्क। ऐसे लोन का डॉक्यूमेंट तो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा, ये सब तोड़ना है, देश के लोगों पे विश्वास करके सब सिस्टम बनाना है ताकि हम लोगों की मदद कर सके और देश को बदलाव में सीएससी का योगदान हो, इसलिए डिजिटल बैंक। तो अगर आप सबकी दुआएं और सरकार ने साथ दिया तो डिजिटल बैंक तो अब क्योंकि गाइडलाइन इशू हुई है तो बनेगा तो जरूर, और बनेगा तो सीएससी विल बी, क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते हैं सर हम अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते, हम बैंक बनाएंगे लेकिन अलग तरीके का बनाएंगे, वी विल बी द डिजिटल बैंक फॉर द कंट्री इन द सीएससी फॉर्मेट, एंड दैट व्हाट वी विल डू। तो आपके बहुत बहुत अच्छा रहेगा, एंड दैट कैन बी फिनोमिनल वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर यू इन दैट सेंस। एक जो अभी काम जो शुरू हुआ है, ये बहुत अमेजिंग वर्क है, मतलब ये करीब करीब क्लोज होने वाला है, एंड वी विल लॉन्च इट वेरी सून। देश में 6 लाख गांव है, हर गांव में कुछ अच्छी चीज है, या तो उसमें कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई म्यूजिक सिस्टम है, या कोई आर्किटेक्चर डिजाइन और हवेली है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसका पूरा डेटा बेस नहीं है। तो सरकार ने सब कोशिश कर ली, बाद में उनको लगा कि शायद सीएससी ही कर पाएगा,
6 लाख गांव का कल्चरल मैप सीएससी बनाएगा। लेकिन अच्छा करना, एप्लीकेशन हम बनाएंगे, शैतानी नहीं करना। शैतानी करते हो बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके बच्चे, आप तारीफ करते हो लेकिन कुछ कुछ बदमाशी करते हैं, कुछ हैं लेकिन हम कभी कभी निकालते रहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम। बट अगर बहुत अच्छा करेंगे तो स्काई इज द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डू, इफ यू कैन डू ऑनेस्टली करेक्टली एंड डू दिस पार्ट। ये कल्चरल मैप हर साल रिव्यू होगा, हर 2 साल रिव्यू होगा। सो वी एक्चुअली क्रिएट अ बिजनेस फॉर यू वेर यू विल डू कीप ऑन डूइंग सर्वे ऑफ दैट विलेज इन दैट फॉर्मेट। हम आपको बताएंगे सफर, सब कुछ बताएंगे। आपको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होगी, बूढ़े लोगों को बुलाना होगा, उनसे उसकी कहानियां सुननी होगी और उसको अपने एप्लीकेशन में डाल के हमारे पास भेजना होगा, कुछ फोटोग्राफ भेजने होंगे, दैट इज व्हाट यू डू। बट एवरीथिंग इज डिजिटल, फिजिकल कुछ नहीं, सिर्फ फोटो अपलोड करनी है या आपको डेटा एंटर करना है। कहीं पर इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पर म्यूजिक है, एंड देन वी विल क्रिएट मैप्स इन दैट सिस्टम फॉर डूइंग दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। सो दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज विच विल हैपन। एंड द लास्ट जो इसमें नई कवर की है, सार्थक ने शायद नहीं बनाई, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। सी इतनी नई नई चीजें हैं दैट यू विल कीप ऑन एंजॉइंग इट। अभी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को जो फर्टिलाइजर देते हैं उनके लिए डेटाबेस बनाना है, तो सारे फार्मर, जो भी किसान इस देश में खाद खरीदता है, उसका डेटा सीएससी वाला बनाएगा। दैट इज व्हाट विल हैपन, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट पेड ओवर अ पीरियड। कई बार हम नेगोशिएट करते हैं तो हम भी ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, कई बार नेगोशिएट में ज्यादा हो जाते हैं। जैसे जज ने बोला आप 150 रुपए ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सो वी विल डिसाइड फॉर यू व्हाट मनी यू कैन टेक। बट इन सम केसेस वी स्टिल हैव दोस डिबेट, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल दोस सिस्टम्स विच यू डिवाइस विल बी वेरी गुड। अब अपने आप को संभालना है, आपको अपने सेंटर को बड़ा करना है, जहां जहां छोटे थे 2 कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर लगाने हैं। और जैसे गणेश पाटिल ने करके दिखाया, या किरण सोनी काम करती है, या सोनू बाला करती है, ऑल दीज गर्ल्स, और मिश्वा हाशमी, ऑल दीज गर्ल्स हैव डन फिनोमिनल वर्क। महिलाओं के काम करती है तो पुरुष क्यों नहीं कर सकते, दे कैन ऑल्सो डू। ऑफकोर्स हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, बट दीज बॉयज ऑल्सो शुड लर्न। नेतागिरी कम करो और काम ज्यादा करो, थोड़े नेतागिरी ज्यादा करते हैं, गाली देने का जल्दी जल्दी ये गंद फैला दे, बीच में उठा कर कुछ भी घुमा देता है, कहीं कोई स्क्रीनशॉट डाल देगा, कुछ डाल देगा, अपनी गलती नहीं देखेगा, बट ही विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर अस। हम पहले से बोलते हैं, हमने बहुत बार बोला है, सीएससी में आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, दैट इज आवर गारंटी, दैट्स आवर कमिटमेंट। इट मे सम टाइम गेट डिलेड, इट मे हैव सम, बिकॉज मेनी प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, बैंक इन्वॉल्व है, पेमेंट गेटवे वाला इन्वॉल्व है, तो हमें वेरीफाई करने में या ढूंढने में कई बार वक्त लग सकता है, लेकिन हमारी इंटेंशन ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, और हमारी नीयत है कि हमारे सीएससी वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं जो सीएससी से बाहर जाके काम करना चाहते हैं वो अपने आप को सोच लेना कि अगर सीएससी से बाहर जाके काम करोगे तो आपको क्या होगा, बिकॉज लॉट ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो ट्राइंग टू डू सीएससी काइंड ऑफ वर्क, अभी कोशिश करते हैं, लेकिन आप सोच लेना, आपकी मदद और आपकी वजह से देश की सारी सर्विस गांव वालों को मिलने की वजह से वो सीएससी की वजह से मिलेगी, वो किसी और तरीके से नहीं मिलेगी। देर आर पीपल हु हैव लार्ज नंबर ऑफ एक्स आउटलेट्स, शायद उनके पास हमारे 4 लाख से ज्यादा होंगे, लेकिन वो बदलाव नहीं ला सकते, सरकार उनको यूज नहीं कर सकती, सरकार सीएससी को यूज करेगी फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना देर रखा, और जो लोग दूर से आए हैं बेटा जल्दी निकल जाना ताकि अपने घर में जल्दी पहुंच जाओ, ज्यादा नहीं चाय पी करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।